डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का। सर एक तो मैं एक विषय जरूर बोल सकती हूँ सर, व्हाइट पेपर नहीं, एक विषय बोल सकती हूँ। कभी भी कांग्रेस विपक्ष में जब बैठे हैं, प्रश्न 1000 उठाते हैं, हम क्षमता से सब्र रख के सुनते हैं, मगर जब हम खड़े होते हैं जवाब देने के लिए, वो या तो भाग लेते हैं वॉकआउट करके, नहीं तो इधर बैठ करके हल्ला करते हैं। दे डोंट हैव द कर्टेसी टू हियर रिप्लाइज। आई चैलेंज देम, इफ दे हैव द करेज, लेट देम सिट डाउन हियर एंड रिप्लाई मी। बैठ करके जवाब दो, सुनने के बाद जवाब दो, डिस्टर्ब ना करो, डिस्टर्ब ना करो। और वरिष्ठ युवा और फ्यूचर को बहुत बढ़िया बनाने के लिए जितना पोटेंशियल लोग में है, वो लोग भी ऐसे रोल बनाते हैं अपने आप को कि चिल्लाते रहो, महिला हो, पुरुष हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई और हो, चिल्लाते रहो, क्योंकि सच्चाई आ रहा है इधर से, सच्चाई हम बोल रहे हैं, सुनेंगे नहीं। ठीक है, मैं बोलती हूं अभी डीएमएफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, ये तरीका है। आपको मौका मिलेगा, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए वित्त मंत्री जी। सर झूठ अनपार्लियामेंट्री है सर, वो तो कम से कम करेक्ट करने दीजिए। झूठ अनपार्लियामेंट्री है सर, करेक्ट करने के लिए बोलिए। सर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, इतना कलेक्शन के बारे में मैंने बोला, छत्तीसगढ़ में 12,000 करोड़, झारखंड में 11,600 करोड़, कर्नाटक में 4,467 करोड़, उड़ीसा 24,600 करोड़, राजस्थान 8,730 करोड़, मेघालय 90 करोड़। ये सब से क्या फायदा हो रही है ग्राउंड में, ये भी हम समझना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से क्योंझार उड़ीसा में डिजिटल डिस्पेंसरी उड़ीसा में बनाया गया। एज अ रिजल्ट बेसिक हेल्थ केयर, टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन, फ्री मेडिसिन सब उड़ीसा में डिस्ट्रिक्ट में, वो भी क्योंझार डिस्ट्रिक्ट में मिल रही है। सेकेंड सर, क्या तकलीफ है सर, सुनिए ना। सेकेंड, चायबासा मॉडल आंगनबाड़ी सेंटर कंस्ट्रक्शन डीएमएफ के फंड से हुआ, और उसको माल न्यूट्रिशन एड्रेस करने के लिए वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में बढ़िया काम हो रही है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के पैसा से। तीसरी, फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर में डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन के विषय हम समझना चाहिए। इस साल 900 मिलियन टन्स तक वो पहुंचेगी, हाईएस्ट एवर कोल प्रोडक्शन भारत देश में इस साल होने वाला। नहीं नहीं, आई एम कमिंग। इस साल 23-24 में 900 मिलियन तक पहुंच रही है, आने वाले साल में वो 1 बिलियन तक पहुंच रही है, 1 बिलियन टन्स। सर 500 प्रोडक्शन मतलब इंपोर्ट, कहां से सुन लो भाई, प्रोडक्शन डजन इंक्लूड इन इंपोर्ट्स। सब जरा सुनने का क्षमता रखने के लिए बोलिए सर। सर 2000 इंग्लिश आई टेल यू, या प्लीज लिसन विद सम पेशेंस, डोंट जंप टू कंक्लूजन्स। सर 2013-14 व्हाट वाज द प्रोडक्शन सर, प्रोडक्शन 567 मिलियन टन्स। I am speaking of 900 million tons this year, 1 billion tons this coming year. So what? What are you talking, man? So please, sir, production Bharat desh mein utpadan hua, import karne ka necessity nahi hoga, foreign exchange payment karne ko nahi hoga, simple economics, sir. Oh my God. Samajh mein nahi aaya. Sir, public sector undertaking. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कभी भी बोलते हैं प्राइवेट का इतना प्रोत्साहन दे रही हो, इनके पॉलिसी के द्वारा पब्लिक सेक्टर भी बेनिफिट नहीं पहुंचा। आपको मालूम है कहां पहुंचा पब्लिक सेक्टर अभी? अयो अयो,
अयो प्लीज लिसन सर, पीएसयू कोल प्रोडक्शन, कोल इंडिया प्रोडक्शन, कोल इंडिया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है सर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कोल इंडिया सर, ये क्या हो रही है सर, ये क्या हो रही है सर, प्लीज बैठिए, व्हाट इज गोइंग ऑन, प्लीज नो, प्लीज बैठिए सर, प्लीज सुनो भाई, सुनो आदिर रंजन जी, प्लीज सुनो भाई, सुनो सर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कोल इंडिया लिमिटेड 2013-14 में से लेकर के 2013-14 से लेकर के आज तक और 22-23 तक कैपिटल एक्सपेंडिचर उनके द्वारा जो हुआ 4.3 टाइम्स हुआ है उससे पहले के जमाने से तुलने में. सो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज ऑल्सो प्रॉस्परिंग, इज ऑल्सो एडिशनली इन्वेस्टिंग, इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग. ये जितने भी चल रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के ऊपर सर, ये झूठ झूठ क्या है सर, पार्लियामेंट्री है क्या, प्लीज रिमूव दैट, रिमूव एक्सपेंस करिए, ये झूठ क्या चीज है सर. आई गो टू द नेक्स्ट सर, आप लोग दूसरा एक और एग्जाम्पल करती हूँ सर, इनको सह नहीं पा रहे कि इतना सच्चाई आ रही है उनके सरकार के कार्यकाल के ऊपर, इसीलिए इतना चिल्लाना, क्योंकि और उनके पूर्व अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, उनको इम्प्रेस करना है, मैडम हम डिफेंड कर रहे हैं हमारी पार्टी को, गलत बयान दे रहे हैं, झूठ झूठ उपयोग यही कर रहे सर. बैंक्स के कहानी में जरूर बोलना चाहती, बैंक्स के कहानी में जरूर बोलना चाहती, और इसमें इसमें व्हाइट पेपर में जितने भी है उसमें मैं एक विषय मानती हूं, एक चरित्र है कांग्रेस पार्टी का बैंकों के खिलवाड़ करने के लिए, चरित्र है दैट दे कॉन्स्टेंटली मिसयूज द पावर्स एंड प्ले विद द बैंक्स. नेशनलाइज हमने ही किया बोलते हैं, मगर मैं बोलती हूं तीन उदाहरण. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1976 में श्री आर के तलवार जी होते थे एक चेयरमैन, बहुत बड़ा रेस्पेक्टेड चेयरमैन था बैंक में, ठीक है सर. वो उनके इमरजेंसी के टाइम में, क्योंकि उनके पसंदीदा एक पार्टी को लोन नहीं दिया उसके कारण उनको सीबीआई के द्वारा इतना सताए, और के तलवार, आर के तलवार एकदम इंटीग्रिटी के साथ क्लीन व्यक्ति था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन रहते थे, एकदम क्लीन एंड इंटीग्रिटी में हाई होने वाले इस व्यक्ति को, क्योंकि उनके कोई रिश्तेदार या दोस्त को लोन नहीं दिया, उनको सीबीआई के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करके फिर दे वांटेड टू समहाउ रिमूव हिम, हटा भी दिया उनको, क्योंकि नहीं ये नगरवाला नहीं है, ये एसबीआई का एक आर के तलवार का स्टोरी है 1976. उससे पहले 1950 का स्टोरी लीजिए, मुंद्रा स्कैम. उसमें हरिदास मुंद्रा जी ये कलकत्ता बेस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उसको उनके कंपनी में एलआईसी के द्वारा लोन, एलआईसी के द्वारा इन्वेस्टमेंट करने के लिए था. आई एम कमिंग मैडम, आई विल कम टू स्पीक ऑन द व्हाइट पेपर, ऑफ कोर्स आई विल डू, ठीक है सर. एलआईसी इन्वेस्टमेंट कमिटी को इन्फ्लुएंस करके तब के 1950 में 1.26 करोड़ शेयर्स, वो डूबरा कंपनी, डूबने वाले कंपनी में एलआईसी के पैसा 1.26 करोड़ डलवा दिया. उसके कारण जब वो स्कैम बाहर आया, उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर को बलि का बकरा बना करके हटा दिया.